हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी सुबह हो गई है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी 9 बज चुके हैं। मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। 9:15 हुआ है। तो मेरी मम्मी ने व्लॉगिंग के लिए एक सामान मंगवाया था, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं वो पकड़ के कर रही हूँ और ये गिर भी सकता है, इसलिए मैं पकड़ी हुई हूँ। और ऐसे नॉर्मली हाथ में पकड़ने के लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए हमने ये मंगवाया था। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट क्लास मार्क आया है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास है। और मेहनत बहुत करनी है और मैं जितने एक्साइटेड हूँ उतना डर भी है मेरा, क्योंकि एक्साइटेड किस लिए हूँ कि अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में जाऊँगी, नया सिलेबस होगा, सिलेबस तो बढ़ ही गए होंगे, और नए फ्रेंड्स होंगे, नया क्लासरूम होगा, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और डर किस बात की है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम दूसरे क्लास में जाएंगे, उसका सिलेबस बढ़ेगा और बुक्स भी बढ़ेंगी, इसलिए मुझे डर लग रहा है। लेकिन हमारे तो टीचर्स हैं, वो लोग हमें गाइड करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे उनको। और हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे, वो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। और मैं तो ट्यूशन नहीं जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा ट्यूशन नहीं है जो अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हमें जिस तरह का गाइडेंस चाहिए वैसा नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। लेकिन देखेंगे, अगर वैसा कोई ट्यूशन मिल गया तो मैं वहाँ जाऊँगी, और मेरे मम्मी पापा और टीचर्स तो है ही, वो लोग गाइड करेंगे हमें। तो मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमें भी मेहनत करनी है, तभी जाके तो हम अपने गोल को छू पाएंगे, हम अपना गोल बना पाएंगे। और आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा, मेरी एक दीदी है, मतलब वो मेरी फ्रेंड की दीदी है, वो तो मेरे लिए भी दीदी होगी। तो आज उनका बर्थडे है और मम्मी और मैंने तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि उनका बर्थडे बनाएंगे, लेकिन अभी और घर में कोई सब्जी भी नहीं थी, लेकिन अभी हमने प्लान किया है कि मम्मी से जितना भी हो पाएगा वो बनाएंगी उनके लिए। और हमने उन्हें शाम को बुलाया है, दीदी और मेरी फ्रेंड को, तो जितना हो सकेगा मम्मी बनाएगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मम्मी, मैं उनकी खुद की बेटी हूँ, तो मम्मी मेरे लिए 100% अगर कर सकती है 100%, तो उनके लिए 1% क्या नहीं कर सकती। और मेरी मम्मी सारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती है, इसलिए हमने प्लान किया है। तो वो शाम को आएंगे, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट उनके आने के बाद मिलूंगी, दीदी और मेरी फ्रेंड के आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। तो मेरी बहन के लिए अमेज़ॉन से उसके कुछ सामान मंगवाए गए थे, मतलब उसके डायपर्स, खाना का सेरेलैक और वाइपर्स मंगवाए गए थे, तो वो आ चुके। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका कितना बड़ा बॉक्स आया है। तो ऐसा नहीं है कि हम अमेज़ॉन से फालतू के सामान मंगवाते हैं, बस मेरी बहन के सामान ही मंगवाए जाते हैं, वो जो डायपर्स होता है। और वो तो सबको पता है कि बच्चों के डायपर्स वाइपर्स कैसे दिखते हैं, तो वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अमेज़ॉन से हमें सस्ते में भी मिल जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर अमेज़ॉन से ही मंगवाते हैं। और पापा ड्यूटी से नहीं आए हैं, पापा ड्यूटी से आने के बाद हम अपनी छोटी बहन को लेकर मेडिकल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, और मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती कि किस लिए जाएंगे। तो लंच भी बन चुका है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लंच में क्या है। तो ये है चावल, ये है मसाला दाल, और ये है मसाला ड्रमस्टिक। तो मैं आप लोगों को तो शाम का प्लानिंग बोल चुकी हूँ, और अब ये सब तो हम खाएंगे, मैं सारा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, लंच करेंगे। तो मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आप लोगों को शाम में। गुपचुप खाई लोगी? ये गरम लगो। टाटा।
क्या बन जाओ उनकी माँ है जा। ये पतले हो गए तो अब हॉस्पिटल से आ चुके हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है। भगवान करे मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। और बहुत धूप है और मैं शॉर्ट्स बनाने जाऊंगी, बहुत ही धूप है, तो बने रहो मेरे व्लॉग के साथ। तो आज है मेरी हमारी दीदी का बर्थडे और ये देखो दीदी आ चुकी है रहे हो तो उन्हें भी मिस कर दो। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा इन्हें शॉर्ट्स में, आप लोगों ने इतना सारा व्यूज दिया और हमारी तरफ से छोटा सा किटी पार्टी है। और अभी हमारा पार्टी स्टार्ट होने वाला है, मैं आप लोगों को जल्द दिखाऊंगी, बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। खा रहा है कोई बड़े स्किन दीजिए हाँ से खाओ आराम से खाओ ना भारी पड़ी हो फिर ये तो दीदी और मेरी बहन अब चले गए, वो बहुत ही खुश थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और आज का मम्मी ने जो कुछ भी बनाया तो वो बहुत ही टेस्टी था। और मैंने तो शॉर्ट्स अपलोड किया है, आप लोग ज़रूर देखना। और मुझे आप लोगों से कुछ बोलना भी था। मेरे पापा मेरी मम्मी और मुझसे पूछते हैं, दूसरे पूछते हैं हमसे कि मैं अच्छा डांस करती हूँ, मैं कहीं से ट्रेनिंग लेती हूँ या क्या। तो हाँ मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, मैं क्लासिकल के लिए ट्रेनिंग लेती हूँ। मेरी मम्मी तो वैसे भी मुझे सिखाती है लेकिन वो डांस प्रोग्राम के लिए सिखाती है, मैं क्लासिकल के लिए ट्रेनिंग लेती हूँ। और मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बाहर में लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेती हूँ। तो मेरा अभी बेसिक डांस चल रहा है, ये बेसिक डांस ख़त्म होने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे एडवांस में जाना है कि नहीं। तो इस बेसिक में भी एक साल का है ये, मुझे कुछ ही महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। और एक साल कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद। तो जैसे पढ़ाई में स्कूल कोर्स होता है और कॉलेज कोर्स होता है, उसी तरह डांस पे भी बेसिक डांस होता है और एडवांस डांस होता है। तो बेसिक डांस स्कूल स्टडीज़ की तरह होता है और एडवांस्ड कॉलेज स्टडीज़ की तरह होता है। क्लासिकल हो या मॉडर्न हो, दोनों में ही बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स होता है। क्योंकि आप लोग ट्यूशन को देख लो, हम ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में कोई काम नहीं आता, वो हमें नौकरी थोड़ी ना दिलाता है। लेकिन स्कूल, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो इससे हम दिखा सकते हैं दूसरों को कि हाँ हमने इतना तक पढ़ा है। तो उसी तरह डांस में भी है। और अगर मैं किसी डांस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करूँगी, लेकिन वहाँ डांस सीखूँगी, लेकिन मेरा कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि हाँ मैंने डांस सीखा है। इसलिए मैंने ऑनलाइन में लिया, ऑनलाइन के अंदर घुसी किया, तो उससे मैं डांस भी सीख पाऊँगी और मेरा प्रूफ भी रहेगा, मैं सर्टिफाइड रहूँगी, मैं दूसरों को दिखा पाऊँगी कि हाँ मैंने क्लासिकल डांस सीखा है, मैं पूरी दुनिया को दिखा सकती हूँ। ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस देना भी अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है उसमें लिमिटेड पीपल होते हैं, मीन उस एरिया के लोग ही हमें देख सकते हैं, हमें जान सकते हैं कि हाँ हम डांस करते हैं, उस एरिया के लोग ही जानेंगे। और क्या होता है कि हमें वेट करना पड़ता है कि हमें कब मौका मिलेगा, कब हम नाचेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब ही है, क्योंकि यूट्यूब में जब मैं डांस करती हूँ
मैं डांस तो अपलोड करती हूँ लेकिन कहाँ कहाँ से लोग मुझे देखते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, तो मुझे दुनिया भर के लोग देख सकते हैं तो उसी में मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए YouTube ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेज है, मैं कहीं पर भी डांस लूँ मुझे YouTube से सारी जगह के लोग देख सकते हैं। तो आज का हमारा किटी पार्टी तो बहुत अच्छे से गया, तो आज का व्लॉग यही तक था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।